आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो फंक्शंस। तो वीवीए जैसे एक्सेल के फंक्शन है, ऐसे वीवीए की भी फंक्शन लिस्ट है। कुछ एक्सेल से मिलता जुलता है और कुछ नया है जो वीवीए के लिए। स्ट्रिंग फंक्शन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अब हम बात करते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन। सबसे पहले समझते हैं, फिर इसको आप कुछ फंक्शन को अप्लाई करके हम आपको देंगे। सबसे पहला फॉर्मूला आपका डेट का है। एक्सेल में जो टुडे का फॉर्मूला है वही यहाँ पे डेट का फॉर्मूला। सिस्टम डेट देता है, डेट ऐड। अगर किसी पर्टिकुलर डेट में कोई डेट ऐड करनी हो तो डेट ऐड का फॉर्मूला इस्तेमाल करें। जैसे कि एक्सेल में ई डेट का फॉर्मूला है, लेकिन ई डेट सिर्फ महीना ऐड करता है ना, ए हर एक चीज को ऐड कर सकता। डेट डी आई एफ मतलब कि डेट डिफरेंस, ये दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालता है। ये हमने एक्सेल में भी पढ़ा था कि डेटेड इफ डेट डेट डिफरेंस में क्या होता है कि आप दो डेट के बीच में ईयर मंथ डे क्वार्टर किसी भी इंटरवल आप डिफरेंस निकाल सकते हैं कि दो डेट के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आता है डेट पार्ट। डेट पार्ट में हुआ कि आप डेट में से कोई भी पार्ट को अलग कर सकते, जैसे कि मुझे मंथ अलग करना है तो आप एम देंगे तो मंथ अलग हो जाएगा, हम क्यू देंगे तो क्वार्टर अलग हो, क्योंकि डेट डेट में से किसी पार्ट को अलग करने के लिए तीन ऑलरेडी फॉर्मूले हैं, डेट मंथ और ईयर, जो कि डेट में से डे को अलग करता है, डे डे अलग करता है, मंथ मंथ अलग करता है और ईयर ईयर अलग करता है। लेकिन डेट पार्ट में क्या है, एक ही फॉर्मूला है, उसमें आप इन तीनों के अलावा क्वार्टर वीक इस चीजें भी अलग कर सकते। डेट सीरियल, अगर आपके पास डेट पार्ट में है, जैसे आपके पास एक सेल पे आपका ईयर है, एक साल पे मंथ है, एक सेल पे आपका डे है, तो तीनों को डाल के आप उसको कंबाइन करके डेट बना सकते हैं। जैसे कि हम एक्सेल में डेट बनाते हैं, डेट वैल्यू, अगर डेट अगर टेक्स्ट में है तो उसको रिटर्न कर सकते हैं डेट में, डे बताया था आपको, आप फॉर्मेट डेट मतलब कि डेट को किसी भी फॉर्मेट में लाने के लिए आप कस्टम फॉर्मेटिंग का जो फॉर्मेटिंग रूल्स है वो डाल के, आवर आवर टाइम मीन्स आवर अलग करता है, मिनट मिनट अलग करता है, मंथ मंथ अलग करता है, मंथ नहीं, तो मंथ नेम में क्या है कि अगर एक से लेके 12 तक आपके पास मंथ नंबर में अलग हुआ ना, लेकिन आपको मंथ अलग करना है तो मंथ चाहिए आपको जनवरी फरवरी टेक्स्ट में, तो मंथ नेम ले सकते हो। नाउ करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम देता है। टाइम सीरियल, जैसे आपका डेट सीरियल था ऐसे आपका टाइम सीरियल है। टाइम वैल्यू, जैसे टेक्स्ट में टाइम वैल्यू हुआ हो आपका, वीक डे, वीक का कौन सा डे है वो देगा आपको, वीक डे नेम आप 1 से 7 के बीच में जो भी देंगे तो सैटरडे संडे मंडे नेम में देगा, और ईयर आपका ईयर। ये आपका डेट का फॉर्मूला था जिसकी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब चलिए कुछ को हम लगाते हैं, जैसे कि हम डेट ऐड फॉर्मूला है इसी को यूज करते हैं। विजुअल बेसिक पे गया, हमने इंसर्ट किया मॉड्यूल्स और यहां देते हैं फंक्शन। फंक्शन में यहां हम देते हैं डेट, और इसके इनपुट होंगे डी टी एज ए डेट, पहले आपको डेट डालना होगा, उसके बाद इसमें बता रहा आपका कि डेट ऐड में आप अपने हिसाब से कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, तो मुझे इंटरवल भी ऐड करना पड़ेगा। तो पहला इंटरवल है, फिर नंबर है, फिर डेट है। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से सिर्फ डेट लें, फिर आई एज ए
ऑब्जर्वर है तो आप स्ट्रिंग कर देते हैं और फिर एन एज ए टीचर या लॉन्ग कर सकते हैं। और यहाँ पे डेट अंडरस्कोर एड एक ही बार में देता हूं इक्वल टू यहाँ पे डेट एड फॉर्मूला लगाया। इंटरवल हमारा हो गया I, क्या है कितना नंबर ऐड करना है हो गया हमारा N और A हमारा हो गया D T। यहाँ पे मान लीजिए डेट डाला और मुझे दो महीने दो ऐड करने हैं, इक्वल हम देंगे डेट ऐड, हमने डेट को सिलेक्ट किया और इंटरवल हमारा है मान लीजिए मैं मंथ ऐड करना चाहता हूँ और कितना महीना दो महीना चार्ज डाला गया। अगर सर हेलो हेलो जी सर, एम महीना था, महीने की जगह पे क्या क्या डाल सकते हो, ई साइन तो बता सकते हैं, ईयर क्यू मंथ वाई मतलब कि डेट ऑफ ईयर डे द बिग डे वीक आवर मिनट सेकंड, आप एक बार याद कर लीजिएगा अपने हिसाब से ठीक है। इसमें कुछ चीजें याद करवा जैसे वाई, वाई मतलब कि डे ऑफ द ईयर और वाई करें क्या है मतलब डे ऑफ द ईयर मतलब हुआ कि एक साल जो करेंट ईयर चल रहा है उसमें कितना लगेगा वो डे ऑफ द ईयर होता है। उसके बाद ऐसे आपका डेट डी आई एफ है, ये तो हम एक्सेल में करते ही थे ना सर, हमने आपको एज निकालना सिखाया था याद है, ठीक है याद है सर। सेम उल्टा लगता है थोड़ा सा, ये आपका क्या क्या डिफरेंस चाहिए और ये आपका स्टार्ट डेट ये आपका एंड डेट ठीक है, और लगाने का तरीका आपके सामने। उसके बाद इसमें आते हैं डेट्स, डेट पार्ट भी आपका पार्ट अलग करता है, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए यहाँ लगा हुआ है, मुझे इसमें से ईयर अलग करना है 2012 आ गया, मुझे इसमें से मंथ अलग करना है तो 10 आ गया, मुझे इसमें से डे अलग करना है तो 15 आ गया। उसके अलावा क्वार्टर वगैरह भी ले सकते हैं, यहाँ पे क्वार्टर अलग करना है तो क्यों जाएगा तो कौन सा क्वार्टर है, तो इसका यूज हम लोग खासकर क्वार्टर्स और वीक के लिए करते हैं। याद होगा हमने डेटा समराइजेशन के लिए डेटा समराइजेशन का एक प्रोजेक्ट दिया था जिसमें सम इफ लगाए थे, उसमें वीक वगैरह डे वगैरह का काफी ज्यादा प्रॉब्लम था, तो हम इस फॉर्मूले से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। डेट सीरियल डेट की तरह है, बाकी तो इसमें कुछ बताया लायक है नहीं सर, तो आप इसको एक बार अपने तरफ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो नहीं बना पाइएगा उसका लिस्ट बताइएगा, मुझे ऐसा लगता नहीं कोई आप बना नहीं पाएंगे, सारे फॉर्मूला इजी है, क्या बोल रहे हैं जितेंद्र जी? जी सर कर चुका है ना सर, प्रैक्टिस किया है। हाँ अब बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला में ज्यादा कुछ सीखने के लिए नहीं है ठीक है। एवीएस एक्सेल का फॉर्मूला है, माइनस को प्लस, प्लस को प्लस करना है, बाकी सब आपका ये अलग चीज है, आपका ये आपका इंट इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, राउंड का फॉर्मूला है, राउंड वैल्यू को राउंड करता है जैसे एक्सेल में था, ऐसा एक्सेल का फॉर्मूला है, इसमें कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, इसमें कुछ फॉर्मूला ऐसे फॉर्मूला है सर यूजफुल नहीं है, कॉस्ट टाइम थीटा इसका मान लेंगे क्या करना है। लॉजिकल फॉर्मूला हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसमें एंड है, केस फोर, ये सब चीज हम पढ़ा चुके हैं। इसमें आपको एक स्विच का फॉर्मूला है, स्विच का फॉर्मूला आप देख लीजिए क्या है,
यूज का फॉर्मूला भी क्या है, जैसे आप इफ का फॉर्मूला लगाते हैं तो इफ के फॉर्मूले में मल्टीपल इफ्स होते हैं ना, पर चूज का फॉर्मूला समझिए कि एक्सेल में हम लोग चूज लगाते हैं, चूज समझिए तो समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे देता हूँ, मैंने मान लीजिए कि यहाँ वन दे दिया, तो यहाँ पे बोला कि चूज अगर वन हुआ तो जैन, टू हुआ तो फाइव, नहीं या टू, इसमें तो ऐसा नहीं दे सकते ना, टू थ्री हम डायरेक्ट यहाँ फाइव देंगे ऑटोमेटिकली टू कर लेगा फिर मार्क। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हम कंडीशन हमें एक्सेप्ट नहीं, रिजल्ट तो हम बहुत सारे दे रहे हैं लेकिन इसका कंडीशन फिक्स है कि इंडेक्स नंबर, मतलब कि एक हुआ तो जैन आएगा, दो हुआ तो फाइव आएगा, थ्री हुआ तो मार्स आएगा, समझे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि मैं अपने हिसाब से कंडीशन दू तो एक हो, एक आए फिर पांच, एक आए फिर पांच आए फिर चार आए फिर तीन आए, ऐसे देना चाहता हूँ, उस केस में हम स्विच का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए फॉर्मूला सपोर्ट नहीं करता है, वीवीए को सपोर्ट करता है, कैसे करेंगे चलिए हम बताते हैं। आप फंक्शन यहाँ पे हमने कर दिया जे वहां पे यहाँ पे देते हैं एस डब्ल्यू टी इक्वल टू स्विच, स्विच डब्ल्यू आईस हमने बोला कि अगर d इक्वल टू वन तो रिजल्ट आना चाहिए दिल्ली कॉमा d इक्वल टू टू तो रिजल्ट आना चाहिए मुंबई इक्वल टू थ्री तो रिजल्ट आना चाहिए कोलकाता, डी इक्वल टू आना चाहिए चेन्नई। ठीक है, इस तरह से आगे अपना कंटिन्यूस देते चले जाइए। मैं इसको एक बार लगाता हूं एस डब्ल्यू टी आ गया, ऐसे स्विच का फॉर्मूला एक्सेल 2019 में आ गया है। ठीक है, वन है तो यहाँ पे होना चाहिए दिल्ली, अगर ए इक्वल टू टू ऐसे दे सकते मुंबई का है, इसका स्विच अलग है शायद, एक्सेल 2019 का स्विच अलग है। हेलो, हाँ जी हेलो सर। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हमारे सारे फॉर्मूले अगर एक्सेल के अंदर है तो फिर हम इन्हें वीबीए के अंदर की यूज करते हैं सर एज फंक्शन। वीबीए के अंदर देखिए, वीबीए प्रोग्रामिंग जब आप बनाएंगे
फॉर्मूला जैसे आपने लिया, यस सर। तो अभी हम जैसे आपको बताया कि हम अभी जो एक एक फॉर्मूला बनाकर बता रहे, एक फॉर्मूला थोड़ी बनाएंगे, जब हम प्रोजेक्ट ऑटोमेट करेंगे तो हमें फॉर्मूला भी तो लगाना पड़ेगा जी। हम बाकी चीज कर लेंगे, फॉर्मूला मेन्यू लगाएंगे, क्यों हम फॉर्मूला भी वीवी के थ्रू लगाएंगे, वो भी ऑटोमेटिक फॉर्मूला लग जाएगा। अभी तो हम आपको जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन जब इसका यूज हम करेंगे तो उसको एक 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 रिपोर्ट्स ऑटोमेशन प्रोजेक्ट में यूज करेंगे ना, क्या सर, जो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो सर ओके ठीक है ना। और दूसरा ये जो वीवीए का फॉर्मूले को जैसे स्विच को देख लीजिए, स्विच आपका अलग है, जट्टू करूंगा तो मुंबई आएगा, और आपका एक्सेल का स्विच अलग है, इसलिए ऐसा किया गया है। फंक्शंस मतलब कि आपको अभी जैसे आपने इससे पहले मैक्रो बनाया था, जैसे आपने देखा था फॉर्म पे क्लिक करते हैं आपका डेटा कहीं और चला जा रहा था, अब कई सारे डेटा को कॉपी करके जगह कर रहे थे, तो पेस्ट करने के बाद आपको कुछ कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जी। फॉर्मूला भी आप वीवी के थ्रू लगाओ ना, जबकि आप मान लीजिए 10 फाइलों का डेटा कॉपी करके एक फाइल पे ला रहे हो, तो लाने के बाद फिर उसमें फॉर्मूला भी अपने हिसाब से लगा लो, वीवी के थ्रू अपने आप लगा देगा वो, समझे ना। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, क्लास करेंगे।